नमस्कार, हम बात कर रहे थे मुद्रा स्फीति की और उसमें हम ये देख रहे थे कि मुद्रा स्फीति की कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले बात करें मुद्रा स्फीति की तीव्रता के आधार पर विभिन्न किस्में, जिसमें सबसे पहले है साधारण मुद्रा स्फीति। साधारण मुद्रा स्फीति हम मुद्रा स्फीति की वो अवस्था होती है जिसमें कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है। प्राय एक इकाई वाली मुद्रा स्फीति यानी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, इसको हम कह सकते हैं, यानी 10 से कम, इसकी वार्षिक दरों की स्थिति को साधारण मुद्रा स्फीति कहा जाता है। इस स्थिति में लोगों का मुद्रा में विश्वास बना रहता है, लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। वो अपने धन को वास्तविक परिसंपत्ति के रूप में बदलने की बजाय मुद्रा के रूप में जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें मुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास होता है। दूसरा है तेज़ रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति। तेज़ रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति को दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति भी कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रा स्फीति प्राय 2 अंकों में और 3 अंकों में देखने को मिलती है, जैसे 10% से ज़्यादा और फिर 100, 200, 300% तक भी हो सकती है। 1990 से 2001 की अवधि में इस प्रकार की मुद्रा स्फीति कई देशों में देखने को मिली थी, जैसे ब्राज़ील के अंदर मुद्रा स्फीति की दर 168.2% थी, अंगोला में 658.8%, रशियन फेडरेशन में 139.6% थी। इस तरह की मुद्रा स्फीति की दशाओं में देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, वास्तविक ब्याज की दरें बड़ी मात्रा तक ऋणात्मक हो जाती है, लोग माल इकट्ठा करने लगते हैं, मकान खरीदने लगते हैं और ब्याज दर पर पैसा उधार देना बंद कर देते हैं, लोग अपनी मुद्रा विनियोग के लिए विदेशों में भेजने लगते हैं, इससे घरेलू विनियोग में काफ़ी कमी आती है। इस तरह की मुद्रा स्फीति से देश को काफ़ी ज़्यादा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा है तेज़ रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति। इस प्रकार की स्फीति में कीमतें बहुत बेकाबू ढंग से बढ़ने लगती हैं। 1922-23 में जर्मनी में ये दशा पाई गई थी, वहाँ जनवरी 1922 से 1923 के बीच में कीमत सूचकांक 1 से बढ़कर 10 हो गया था। इस तरह की स्थिति और भी कई देशों के अंदर हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हाइपर मुद्रा स्फीति की दशाएं भी विश्व के अंदर पाई गई हैं। इन अवधियों में मुद्रा की वास्तविक मांग बहुत घट जाती है, लोग अपनी मुद्रा को खर्च करने की भरसक और शीघ्र कोशिश करते हैं, मुद्रा प्रचार प्रसार तेज़ी से करती है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लॉर्ड रॉबिन्स का मत था कि इस स्थिति में आर्थिक असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और हिटलर जैसी हस्तियां भी शायद इस हाइपर इन्फ्लेशन का कारण होती हैं, यानी उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हिटलर जैसे लोग का या हिटलर जैसी मानसिकता लोगों में डेवलप होने लगती है। सामान्य समय में अगर हम देखें तो लोग बाग पैसा अपने साथ पॉकेट में ले जाते हैं और बैग में भर के सामान लेकर आते हैं, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की अवधि में पैसा बैग्स में भर के ले जाते हैं और जेबों में खाने पीने का या दूसरा सामान लाते हैं, यानी मुद्रा की कीमत इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मुद्रा चुका करके बहुत थोड़ा सा सामान खरीदा जा पाता है। सैमुएलसन और नॉर्डहाउस ने स्थिर गति वाली मुद्रा स्फीति का भी उल्लेख किया है।
इसमें मुद्रा स्फीति समान गति से उस समय तक जारी रहती है जब तक कि आर्थिक घटनाओं में कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं हो। 1980 के मध्य अमेरिका में कीमतें लगभग 4% वार्षिक की दर से बढ़ती गई, तो लोगों ने इसे ही मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर मान लिया था। सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के लिए ये दर मान ली गई थी। ये दर दीर्घकाल में भी जारी रह सकती है, लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि दीर्घकाल में स्थिर ये नहीं रह सकती है, क्योंकि इस पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे समग्र मांग का प्रभाव, तेल के भावों का प्रभाव, फसलों के उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण अचानक भारी गिरावट, विदेशी विनिमय यानी अवमूल्यन, उसका प्रभाव, उत्पादकता में परिवर्तन, इस तरह के कई सारे परिवर्तन इस स्थिति की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। इस तरह मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की ओर से पड़ने वाले प्रभाव स्थिर गति वाली मुद्रा स्फीति में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। आजकल भारत में हेडलाइन मुद्रा स्फीति और कोर मुद्रा स्फीति, इसमें भी अंतर किया जाने लगा है। हेडलाइन मुद्रा स्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नापी जाती है, जो भारत में एक सामान्य पद्धति रही है, हमेशा से ही इस तरह से इसे नापा गया है। लेकिन प्रशासित कीमतों की वृद्धि के कारण, जिसमें विशेषतः पेट्रोल और डीजल के भाव इस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हेडलाइन मुद्रा स्फीति की दर में से ऊर्जा आदि प्रशासित मूल्यों की वृद्धि घटाने से कोर मुद्रा स्फीति की दर प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया था कि कोर मुद्रा स्फीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसी को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि हेडलाइन मुद्रा स्फीति या हम जो पेट्रोल और प्रशासित कीमतें हैं उनमें बहुत परिवर्तन नहीं ला सकते। अब हम बात करें क्षेत्रीय या विभिन्न आर्थिक क्षेत्रवार मुद्रास्फीति की। सामान्य मुद्रास्फीति की दर में सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में औसत वृद्धि दर दर्शाई जाती है, लेकिन इसे विभिन्न वस्तु समूहों के अनुसार अलग अलग भी दर्शाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक वस्तुओं में हम खाद्य वस्तुओं, गैर खाद्य वस्तुओं और खनिज पदार्थों को ले सकते हैं। एक समूह ईंधन, पावर, रोशनी, चिकनाई के पदार्थ आदि का हो सकता है। एक विनिर्माण के काम आने वाली वस्तुओं का, और इसमें हम विनिर्मित खाद्य वस्तुएं, टेक्सटाइल, रसायन और रासायनिक पदार्थ, बेसिक वस्तुएं, एलॉय और धातु पदार्थ और मशीनरी और औजार, ये इसको ले सकते हैं। तो अलग अलग मुद्रास्फीति की दरों को हम क्षेत्रीय मुद्रास्फीति कहकर बुला सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किस वर्ष में कौन से समूह में मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची रही थी और किस क्षेत्र के अंदर ये सामान्य रही और किस क्षेत्र में ये कम रही। तो इस जानकारी के आधार पर हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए अधिक ठोस और अधिक व्यवहारिक नीतियाँ अपना सकते हैं। जिन क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर अधिक तेज होती है उनमें उसे रोकने या काबू करने के लिए अधिक पारदर्शी नीतियां लागू की जा सकती हैं। इस तरह भारत जैसे देश के अंदर हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय और क्षेत्रवार मुद्रास्फीति का आकलन बहुत उपयोगी माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के लिए मुद्रास्फीति का आकलन भी अपना अलग महत्व रखता है। इससे हमें प्रादेशिक मुद्रास्फीति का प्रादेशिक मुद्रास्फीति कह सकते हैं और किस राज्य में मुद्रास्फीति की दर या किस क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा है उसको हम इससे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के विभिन्न रूप। अभी तक तो हमने इसको तीव्रता के हिसाब से देखा था, अब हम कारणों के हिसाब से इसकी बात करेंगे, वो अब हम कल देखेंगे।